जैसा कि देख रहे हैं हम सूचना डाउनलोड कर चुके हैं। इस सूचना जो जारी किया गया है बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से आपको देखने के मिल जाएगा, ठीक है। यानी बिहार एसएससी के द्वारा जो है ये सूचना जारी किया गया है। और सूचना जो जारी किया गया है किसके रिगार्डिंग जारी किया गया है इसके लिए बात करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए क्योंकि और लोग को भी जानकारी हो सके। यहाँ पर देखें तो सूचना जो जारी किया गया आपका यहाँ पर देखें तो 9 अक्टूबर के डेट में जारी किया गया है, ठीक है। यानी 9/10/24 के डेट में देखने के आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर देखें तो विज्ञापन संख्या भी देखने को मिला कि विज्ञापन संख्या 01/2023 इसके अंतर्गत जो आशुलिपिक अनुदेशक पद के लिए अब जो फॉर्म भरा था और इसको एग्जाम भी ले लिया गया था, इसको देखेंगे तो आशुलिपिक पद का संशोधित परीक्षा फल यानी संशोधित करके परीक्षा फल के बारे में हमें बताया गया, यानी परीक्षा फल यहाँ पे जारी किया गया। और इस अपने अकॉर्डिंग रीड आउट करना चाहते हैं इस नोटिस को तो रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो डायरेक्टली हम बताते हैं कि किसके किसके आपको यहाँ पर रिजल्ट जो है जारी किया गया, यानी परीक्षा फल जारी किया गया, ठीक है। और कैटेगरी वाइज हम पे देखें तो बताया गया, ठीक है। यहाँ पर देखें तो बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग पटना के अधीन आशुलिपिक के कुल 250 विरुद्ध 174 अनुशंसित अभ्यर्थियों का संशोधित परीक्षा फल योग निम्न प्रकार है। यहाँ पर देखेंगे परीक्षा फल में जो जिनको जिनके नाम दिया गया है लिस्ट में यहाँ पर देखने के मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी वाइज दिया गया है, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जनरल के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपको रोल नंबर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे नाम देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे मेरिट सीरियल देखने को मिलेगा, यहाँ पे जनरल मिलेगा, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो और भी यहाँ पे एक कैंडिडेट का नाम यहाँ पर दिया गया है तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। ये आपको अनरिजर्व कैटेगरी का हो गया। यहाँ पर देखें तो EWS के लिए हो गया, ठीक है। यहाँ पर EWS के लिए देगा, EWS में कितना कैंडिडेट यहाँ पे सफल हुए हैं इसके लिए बताया गया। बैकवर्ड क्लास के देखने के मिलेगा, जो भी बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट हैं यहाँ पे उनको यहाँ पर जारी किया गया। उसके बाद नीचे आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखें तो EBC के जारी किया गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो आपको EBC में रहने वाला है, ठीक है, बहुत सारे EBC में बच्चा भी हैं। उसका देखें शेड्यूल कास्ट के लिए यानी SC के लिए यहाँ पर बताया गया। उसका देखिए SC ST के लिए बताया गया। उसके बाद आपको देखिए WBC के लिए मैं बताया गया, ठीक है, वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लास के लिए बताया गया, उसके लिए भी बताया गया। आपको कैटेगरी बाय यहाँ पर देखिए कटअप भी बताया गया, ठीक है, किस कैटेगरी में कितना कटअप गया यहाँ पर बताया गया। जैसे कि लिखा कि आशुलिपिक की लिखित परीक्षा के परीक्षा फल का कोटिवार कटअप अंकित निम्न प्रकार है, तो अपन कुड़ी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो और भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है कैटेगरी वाइज कटअप के लिए। और यहाँ पर देखिए एक नोट में आपको लिखा गया है, यहाँ पर देखेंगे तो एक नोट में लिखा गया है कि प्रयुक्त सूची सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक सूची है, ठीक है। लिपिक या टंकन भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण परीक्षा फल में संशोधित हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए परीक्षा फल जो जारी किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि लिपिक या टंकन भूलवश हुई, ठीक है, या किसी त्रुटि के कारण यहाँ पर देखें तो परीक्षा फल में संशोधित भी किया जा सकता है जैसे कि बताया गया है। और यहाँ पर दोनों पार्ट में लिखा है कि आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापन इतना दिनांक इतना द्वारा आशुलिपि पद हेतु चयनित निम्न 14 भारतीय संशोधित परीक्षा फल में स्थान पाने में असफल रहे उनको यहाँ पर देखें तो बताया गया है, जो जो यहाँ पे असफल रहे उनके लिए यहाँ पे दिया गया आपको। ये आपको नोटिस आपको जारी किया गया है, ठीक है। अगर इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका ऑफिशियल वेबसाइट चलेंगे बिहार SSC का, और यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो बिहार SSC का ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही तो आपको 9 अक्टूबर के डेट में यहाँ पर देखने के मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग रिवाइज रिजल्ट ऑफ विज्ञापन संख्या इतना देखने में पोस्ट स्टेनोग्राफर इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफर इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए और नो एक और यहाँ पर 9 अक्टूबर के डेट में जारी किया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो कि आपको एग्ज़ाम लिया गया था बिहार SSC परिचारी के लिए जो एग्ज़ाम लिया गया था 15 9 को और 19 9 को, जिसका प्रश्न पत्र है और उत्तर पत्र है पर जारी कर देगा, ठीक है। इसको चेकआउट करने के लिए किस तरह से चेकआउट करेंगे तो चेकआउट करने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल पर चलाएंगे, ठीक है। चैनल पे आने के बाद यहाँ पर देखिए ये वाला वीडियो आपको देखना होगा, ठीक है। बिहार SSC ग्रुप डी के लिए जो एग्जाम लिया गया था उस एंसर की और प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया, तो ये वाला वीडियो जाकर आप चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। सारा डिटेल इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो तक ही मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।